मैं सैयद मुजम्मिल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, अब जो मामलात हालात चल रहे हैं, अब एक ही बात हो रही है कि चीज़ें आसान हो रही हैं इस वक्त हुकूमती जमातों के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए, और जो कहा जा रहा था कि शायद को बहुत ज़्यादा एक जमात की बड़ी पजीराई है और उसके वोट, और वो बार बार इलेक्शन की बात कर रहे थे। अब मामलात इलेक्शन की जानिब जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दो सूबाई असम्बलियों के तो इलेक्शन शायद आइन की रूह के साथ होने थे, नहीं होने थे, लेकिन अब आम इंतखाबात होते हुए नज़र आएंगे। देखिए, इलेक्शन की तरफ मामलात चले भी जाएँ तो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका जो इतिहाद था उसमें तो दरार जो है वो वाजे दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईद के फौरन बाद सरप्राइज़ देने का प्लान है, और सरप्राइज़ यही है कि हम रास्ते अलग कर लेंगे दिल्ली से अपने, क्योंकि पंजाब के अंदर जो एंटी नवाज़ वोट है उसको कैटर करना चाह रही है पीपल्स पार्टी, और उनको अंदाज़ा है कि इस गवर्नमेंट का जो फेस शहबाज शरीफ साहब रहे हैं पिछले एक से डेढ़ साल में, तो उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। आवाम के पास जाकर लोड शेडिंग का आपको इल्म होगा, 6000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है, 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो साथ साथ एक महंगाई का मसला और दूसरा ये, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जो है वो सेफ खेलना चाहती है, और पीडीएम को अब ये डिसाइड ये करना है कि कितनी देर तक इस इतिहाद को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बयान हैं वो भी आपके सामने, नदीम अफजल चंद साहब ने जो बयान दिया, फैसल करीम कुंडी साहब ने जो बयान दिया और तारिक फजल चौधरी ने जो बयान दिया, वो सब ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये पार्टनरशिप जो है ये देर तक चलने वाली नहीं है। और जहाँ तक बात है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से जो आपने इंट्रो में कही, तो उनका मुस्तकबिल दिखाई ये दे रहा है कि नून लीग के साथ होने वाला है, क्योंकि अभी आज शहबाज शरीफ साहब लंदन जाना था और साथ साथ वहाँ पर रौन चौधरी साहब भी मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब भी इलाज की गर्ज से वहीं पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहीं पर मौजूद हैं, तो कहा यह जा रहा है कि कोई हिकमत अमली ऐसी बनाई जाएगी कि सीट एडजस्टमेंट की जाए, और साथ साथ ये जो नई पार्टी बनी है ये किंग मेकर पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये 30 से 35 सीटों पे फोकस करते हैं तो उससे पंजाब पॉलिटिक्स तब्दील हो सकती है बेसिकली। तो पीपल्स पार्टी को भी ये गिला था कि ये जो नई जमात बनाई गई है इसमें जो इलेक्टेबल्स मौजूद हैं ये दरअसल पीपल्स पार्टी से जाने वाले लोग थे, इनकी अक्सरियत, तो उनको हमारी जमात में वापस आना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं उस तरह से और एक नया बन गया। तो अब देखना यही है कि इलेक्शन, जिस तरह से आपने भी कहा कि अक्टूबर की अगर तारीख हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है और अक्टूबर में ये इंतखाबात का इनेकाद अगर होता है, तो उस सूरत हाल में बेसिक जो पंजाब के अंदर गेम है उसी को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पंजाब जो है वो वैसे भी इस वक्त जो है इलेक्शन के लिए बैटल फील्ड हो रहा है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।